हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ लिब्रस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा शर्मा, फैकल्टी ऑफ साइंस। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पढ़ा रहे थे टॉपिक फर्स्ट, मापन तथा मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट। तो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि मैं साइंस में कोई भी चीज़ पढ़ाऊँगा उसमें एक स्टार पॉइंट दूंगा, एक कॉन्सेप्ट दूंगा और एक स्टार पॉइंट दूंगा। कॉन्सेप्ट आपको समझाएगा, क्लियर करेगा कि आपको पढ़ना क्या है, और स्टार पॉइंट आपको बताएगा कि हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आएंगे। इस बात का मैं पूरा विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन अगर साइंस का बनेगा, जो 10 क्वेश्चन आप में फिक्स है कि साइंस का आना है पीआरटी में, तो मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। पूरा का पूरा आपको सारा का सारा 10 क्वेश्चन है मेरे, जितना भी नोट्स में पढ़ाई जाएगी वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। जो मेरा टॉपिक है मापन तथा मात्रक, और उसी में हमको पढ़ना है क्या, आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। ये आंकिक मान क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, और मात्रक भी आपको समझाया था। अब बात करते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, आंकिक मान तथा मात्रक में, अर्थात रिलेशन बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, आइए इसको देखा जाए। जैसे कि अगर हम लेते हैं एक लंबाई, ये लिया लंबाई, और लंबाई होता है 15 किलोमीटर हमने ले लिया। एक लंबाई लिया और उसको बोला कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 15 में हम गुणा करेंगे 10^3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। और अब आइए इसको और नीचे यूनिट में चला जाए, 15, अब 15 गुणे 10^3 है, और 10^2 अगर 2 करते हैं तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर में। फिर आइए फिर इसको और इसकी यूनिट को और छोटा किया जाए, यूनिट को और छोटा करते हैं तो 15 × 10^5 और 10 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चला जाएगा मिलीमीटर में। तो ये थी लंबाई, पहले किलोमीटर में हमने लिखा, फिर मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में। इसी क्वेश्चन को, इसी लंबाई को हम किस में लिए थे, 15 किलोमीटर में लिए थे, और इसको मीटर में ले आए, सेंटीमीटर में लाए और मिलीमीटर में लाए। अगर इसको पूरा ऐसे लिखा जाए तो 15 × 10^6 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हम कर क्या रहे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है करने का, तो देखिएगा यहाँ पे हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसका मात्रक है वो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब पहले था वो किलोमीटर में, फिर वहाँ से घट के आया मीटर में, फिर वहाँ से घटा सेंटीमीटर में आया, फिर मिलीमीटर में आया, लेकिन बढ़ क्या रहा है इसका, लगातार देखिएगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमको यहाँ पर मिलता क्या है, देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें किसका मान बढ़ रहा है, किसका, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब n का मान बढ़ रहा है, n का मान बढ़ रहा है, और क्या घट रहा है, तो मात्रक अर्थात u क्या हो रहा है, u लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, u क्या हो रहा है, तो घट रहा है, u घट रहा है, n का मान लगातार बढ़ रहा है और u का मान लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखने से ही लग रहा है आपस में इनका रिलेशन कैसा होगा, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो आपस में इनका रिलेशन होगा व्युत्क्रमानुपाती का, मतलब n होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, उसके यूनिट के, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि यह भौतिक राशि इस भौतिक राशि पे इस प्रकार निर्भर करती है कि इसका मान बढ़ने पर इसका मान घटता है तथा इसका मान बढ़ने पर इसका मान घटता है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। अब आइए यहाँ से देखा जाए, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे के आएगा और ये 1/u हो जाएगा, फिर इसको इधर करेंगे तो nu बराबर के, ये निकल के आता है, यही संबंध हो गया किसका, n का और u के साथ क्या संबंध होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसी एक पद्धति के लिए, किसी एक पद्धति में अगर हम बात करते हैं तो n1 का मान ये n1 हो गया और e1 हो गया,
और ये k कांस्टेंट ही रहेगा, k किसी एक पद्धति का आंकिक मान और उसका मात्रक है। इसको हम लोगों ने एक समीकरण दे दिया जिसका नाम हो गया एक। अब किसी दूसरे पद्धति में हम जाएं और एक क्या ले लें, न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, अर्थात एक आंकिक मान लें और एक मात्रक लेते हैं दूसरे पद्धति का, तो वो होता है N2U2 और ये भी कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, और इसको समीकरण दो देते हैं। अब आइए फ्रॉम वन एंड टू से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो दिखेगा N1U1 बराबर N2U2, यही इनके बीच का क्या हो गया, संबंध हो गया। कब, जब एक पद्धति में दिया रहेगा N1 का मान U1 का मान, तो दूसरे पद्धति में इन दोनों में कोई एक दिया रहेगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ इन चार में से कोई अगर तीन आपके पास गिवन रहेगा तो चौथे का मान आप क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को तब यूज़ करेंगे जब हमारा आंकिक मान और मात्रक एक पद्धति में दिया रहेगा और उसको दूसरी पद्धति में क्या होगा, निकालना रहेगा, तब हम जाके इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और यही फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक पद्धति में N1 U1, अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मेरी क्लास एक सप्ताह से बंद रहेगी, मेरी क्लास एक सप्ताह से बंद रहेगी, तो यहाँ पे एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिन। तो यहाँ पे देखिएगा बात वही है, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन एक पद्धति में ये क्या कहलाएगा, N1 होगा और ये U1, और दूसरी पद्धति में ये क्या होगा, ये N2 होगा और ये U2 होगा। तो यही है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम कैसे निकालेंगे, हो सकता है वो N1 U1 का मान दें, U2 का मान दें, तो N2 हमसे क्या करें, फाइंड कराएं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जो आपका एक पद्धति से दूसरी पद्धति में निकालना रहेगा, तो उसके लिए ये फार्मूला सफिशियंट है और इसी से आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कराते हैं, जैसे एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं तो उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे लेते हैं और दिखाएंगे आपको कैसे वो सॉल्व होंगे। यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसी लंबाई में देखिएगा, जैसे जैसे इसका मात्रक घट रहा था न्यूमेरिकल वैल्यूज का लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही एक रिलेशन बताता है, n का मान जब बढ़ेगा तो u का मान क्या होगा, घटेगा। उसी तरह n क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, यूनिट के। और ये एक रिलेशन देगा NU बराबर K, ये एक पद्धति का, ये दूसरी पद्धति का, और फ्रॉम वन एंड टू करेंगे तो हमको एक फार्मूला मिलेगा जिससे हम सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चंस है, लगातार वीडियो से बने रहिए, साइंस आपको सिखा दूंगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चंस आपका देखते ही बिना देखे आप आंखों से क्वेश्चंस को करेंगे, आपको पेन की नीड भी नहीं होगी, आप क्वेश्चंस को देखेंगे और आंखों से उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चंस आया हुआ था, एक क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड है, कितना है, मीटर पर सेकंड है, और इसको चेंज करना है, इसको बदलना है, किसमें बदलना है, तो किलोमीटर पर मिनट में क्या करना है, इसको बदलना है। ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर मिनट में क्या करना है, बदलना है। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारा पहला पद्धति है और पहले पद्धति में क्या है हमारा, ये N1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये उसका मात्रक है, तो ये क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा। यहाँ पे N2 का मान क्या हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो N2 का मान हमको क्या करना है, निकालना है, और U2 का मान यहाँ पे दे रखा है। तो आइए इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिएगा, N1 का मान, तो N1 का मान दिया हुआ है 320 और U1 का मान दे रखा है यहाँ पे मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब बात करते हैं हम लोग N2, तो N2 को ज्ञात करना है, और U2 की बात करते हैं तो ऑलरेडी वो दे रखा है किलोमीटर पर मिनट में बदलना है। तो आइए एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, वही अपना N1 U1 बराबर N2 U2,
n1 u1 बराबर n2 u2। n1 का मान दिया हुआ है 320 और u1 का मान यहाँ पे दे रखा है मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे n2 हमको ज्ञात करना है और u2 का मान दे रखा है किलोमीटर पर मिनट ये दे रखा है। अब ये बिल्कुल इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 320 मीटर पर सेकेंड, इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं। अब n2 यहाँ पे लिखा हुआ है, किलोमीटर से अगर मीटर में अगर जाते हैं तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, किसका, 1000 का गुणा करना पड़ेगा और ये मीटर में बदल जाएगा। और नीचे अगर हम मिनट को चेंज करते हैं सेकंड में तो 60 से गुणा करना पड़ेगा और ये सेकंड हो जाएगा। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो n2 का मान क्या होगा, 32 गुणे ये क्रॉस गुणा होगा 6 और ये इसके नीचे आ जाएगा 10, तो n2 का मान हो जाएगा 19.2। तो यहाँ पे n2 का मान आया 19.2 और ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर पर सेकंड पर मिनट में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, जिसको हमको कन्वर्ट करना था। मतलब वो 320 क्या दिए थे, मीटर पर सेकंड दिए थे और किस में कन्वर्ट करना है हमको, किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना था। आइए, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखते हैं। धोनी की चाल दिया हुआ 320 मीटर पर सेकंड, तो ये दिया है एक पद्धति में इसका आंकिक मान 320 है और मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड है। और इसको कन्वर्ट करना है दूसरी पद्धति में, जहाँ पे n2 हमको ज्ञात करना है और u2 का मान दिया है किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ है। इसमें हमें मीटर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में, और सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। तो यहाँ पे हमने n1 का मान देखा, u1 का मान देखा, n2 ज्ञात करना है और u2 का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं n1 u1 = n2 u2, यही फार्मूला यूज करते हैं। और इसको यूज करने के बाद यहाँ पे 320 लिखा हुआ, ये पहली पद्धति का मात्रक है और दूसरी पद्धति का मात्रक लिखते हैं जिसमें हमको आना है। तो यहाँ पे ये फिर लिखा हमने, फिर यहाँ पे किलोमीटर को हमने मीटर बदला तो 1000 से गुणा किया, फिर मिनट है तो उसको सेकंड में लाने के लिए 60 से गुणा करेंगे और सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका कैलकुलेशन करके आते हैं तो n2 का मान हमको मिलता है क्या, 19.2 किलोमीटर पर मिनट, और यही हमारा आंसर होता है। तो आपको इतना स्टेप हमने एक पूरा बेसिक से सिखाया, एक एक स्टेप लेके चलना। आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है तो कैसे सीखेंगे, तो डायरेक्ट n1 u1 = n2 u2 डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करिए, डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। ये पूरा करने की जरूरत नहीं है कि n1 लिखें एक बार u1 लिखें, ये मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप लेके चला। आप डायरेक्ट फार्मूला लिखिएगा और डायरेक्ट जो वैल्यू जहाँ पर रहेगा उसको रख के उसको कैलकुलेशन करके उसका आंसर लाइएगा। बिल्कुल